हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज ना थोड़ा सा मतलब आप लोगों से किसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, और दो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं उनके बारे में ऐसे मतलब कुछ चीज़ें बात करना चाह रही थी, तो मैं इसीलिए आज 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि निशा लांबा जी हैं, मैंने उनकी कई सारी वीडियो देखा है, वो दिल्ली में ही उनका बहुत बड़ा पार्लर है और उनके भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, उन लोगों का तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो वो कल ना एक वीडियो बनाई थी और आज भी उन्होंने डाला है वीडियो, तो वो बनाई थी अंजलि चौहान पे। जैसे कि अंजलि चौहान के भी फॉलोअर काफ़ी हैं और मिलियन में हैं उनके सब्सक्राइबर, फॉलोअर, सब चीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और दोनों लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। और निशा लांबा जी ने वही वीडियो बनाई थी कि उनके पार्लर में आई थी अंजलि चौहान और उन्होंने 2 बार ट्रीटमेंट भी कराया, मतलब जो भी कराया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके कुछ चीज़ें प्रोडक्ट मंगवाया, जैसे नाइट क्रीम मंगवाया और मतलब कोई और फेस वेस का क्रीम मंगवाया, और उसके बाद उन्होंने यूज भी किया और इन्होंने पैसा बताया, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं इसका रिव्यू कर दूंगी, लोगों से प्रचार कर दूंगी। तो प्रचार भी नहीं किया और इनका पैसा भी वापस नहीं किया। तो जब इन्होंने कॉल लगाया तो उनके मैनेजर ने शायद कुछ बोला कि वो नहीं देना चाह रही या नहीं, तो रिव्यू तो कर देना चाहिए उनको खैर, लेकिन उन्होंने रिव्यू भी नहीं किया। तो निशा लांबा जी की मैं काफ़ी वीडियो देखती हूँ और मतलब अच्छी हैं, क्योंकि उनकी बातें जो है कॉमेडी टाइप से भी लगती है, अच्छी है और बहुत अच्छा उनका पार्लर भी है और वो है। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि ऐसे बड़े यूट्यूबर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसा तो देना चाहिए उनको। और मतलब ये तो गलत है ना, आप लोग बताइएगा कमेंट करके गलत है कि नहीं है। और मुझे तो ये लगा कि दे देना चाहिए और इसीलिए मैं उनका मतलब देखती हूँ वीडियो, तो मुझे बुरा लगा। तो उन्होंने कल वीडियो बना के बोला और उन्होंने इस चीज़ का सामना किया था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनकी वीडियो नहीं देखे हैं तो निशा लांबा करके टाइप करेंगे तो आ जाएगा, बहुत अच्छी हैं वो, तो आप उनकी वीडियो देखिए। और तो वीडियो यहीं तक रोकते हैं और वीडियो पूरा वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।